आज बिग बॉस के इतिहास में पहली बार एक इंडिविजुअल कंटेस्टेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आप आपके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स को काफी शो ऑफ करते थे और यही चीज है जिस जो आपको ले डूबी है। मीडिया में सबके होते हैं, आपके नहीं है। आप मीडिया से नाराज हैं? मैंने आपकी किताब पढ़ी थी तो उसमें आपने बहुत सारे हॉरिफाइंग इंसिडेंसेस के बारे में बताए थे जो आपके साथ हुए थे जेल के अंदर। वो कौन सी ऐसी एक दो बात है जो इतने साल निकल गए फिर भी वो आप भूल नहीं पाए? जब मेरा लड़का मुझे जेल में मिलने आया था, जिस दिन उसने मुझे बोला मम्मा तू कभी ये सब कर ही नहीं सकती है, मुझे पता है, उस दिन से मैंने समझ गया कि मुझे दुनिया को या प्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी जस्टिफाई करने की। जब मैं कस्टडी में थी तभी मेरे नाना 90 साल के थे, वो टाइम पे घर से मुझे लगता है कपड़े देने आए थे। कपड़े देके वो जा रहे थे, हाथ में लाठी था, वो चल रहे थे और एक पत्रकार जो बहुत फेमस था उसने उनका वीडियो ले रहा था। ये ह्यूमिलेटिंग था।